तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं छाते में आपको दिख ही रहा हूँ। अंडमान लवर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, लगातार पूछ रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। तो भैया, कल से पानी बरस ही रहा है, बीच बीच में रुक जाता है और बारिश काफ़ी है, भयंकर हो रही है। और कुछ काम से मैं भी बाहर निकला था, लेकिन अब लौट रहा हूँ अपने घर की ओर। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या नहीं चल रही। तो सिचुएशन तो ये है, आपको पता है, ट्रैवल तो टूरिज्म जो है वो तो 22 तक सस्पेंड कर ही दिया गया है। तो जो लोग आ गए हैं वो तो होटल में ही रहेंगे, उनके अलावा पास कोई और समाधान नहीं है। लेकिन जो आने वाले हैं अब वो सोच लें कि क्या करना है। 21 में आने वाले लोग तो सोचना है क्या करना है, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैसेज आया था कल रात की जो फेरी है हैवलॉक की, उनकी आज के लिए फेरी जो है वो कैंसिल हो गई है। ये कंपनी की तरफ से ही मैसेज आया उनको, और उनको रिफ़ंड भी दे दिया जाएगा। तो रिफ़ंड का मैसेज तो मुझे मिला, तो मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर ने बताया मुझे, तो वही है, आज तक फेरी नहीं गई कोई भी हैवलॉक और नील के लिए। और कल भी बारिश है की है संभावना पूरी तरीके से, क्योंकि साइक्लोन बिल्कुल आसपास ही मंडरा रहा है। अभी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो कहाँ की तरफ रोटेट करेगा, उसके लिए तो कहा नहीं जा सकता कहाँ रोटेट करेगा वो। अगर यहाँ से बच जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा नुकसान होने से बच जाएगा, तबाही होने से बच जाएगी। और बाकी कल भी शायद फेरी चलने की संभावना कम ही है। तो बात ऐसी है कि एक मिनट ज़रा मैं चाबी निकाल लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो इसलिए आप लोग एक छाता अटक गया मेरा ऊपर। एक मिनट ये आ गया, नीचे तो हाँ, चलियो चलिए बात करते हैं। तो इसे थोड़ा देख के बनाइए प्रोग्राम, अगर आप एक आध दिन बियर कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आएगी अगर कल आते ही आपने कल हैवलॉक का प्लान बनाया हुआ है, तो कल तो शायद आप बिल्कुल ही जा ना पाए हैवलॉक। और आपकी वहाँ की बुकिंग के लिए भी आप उन अपने एकोमोडेशन में फ़ोन करके या जिसके थ्रू भी आपने टूर प्लान किया है उसकी हेल्प से आप उसको रीशेड्यूल करवाने की कोशिश करें। और सब चीज़ बंद है तो आने का कोई फ़ायदा है नहीं, आके बैठ सकते हैं, बैठने के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जिसने ट्रिप स्मार्टली प्लान की है, और लेकिन कोई स्मार्टली भी क्या प्लान करेगा, अभी तो ये नेचर है, किसी को पता नहीं था। तो इस पीरियड में आने वाले लोग थोड़े अनफॉर्चुनेट ही हैं। तो फेरी आज की तो कन्फर्म नहीं गई, उसका मैसेज कल आ गया। और जिनकी फेरी कल जाने वाली है, यानी कि 21 तारीख को और 21 तारीख को, तो उनका भी मैसेज आज रात को आ जाएगा कि शायद पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ख़राब है अभी। तो उसमें एक दो दिन लग जाएगा सुधार होने में, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ का जो वेदर है वो अनप्रडिक्टेबल है, ये मैंने पहले भी बोला, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किसकी ट्रिप सक्सेसफुल होगी किसकी नहीं होगी। इट्स ओनली क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल है, सारे डिप्रेशन जो हैं थोड़ी सी गर्मी की वजह से साइक्लोन यहीं से ऑरिजिनेट होते हैं और पावरफुल बन के फिर वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो इसलिए जो लोग जिनकी ट्रिप सक्सेसफुल भी हुई हैं वो लकी एनफ हैं, और जिनकी नहीं हो पाई किसी वजह से, इस बीच में फंस गए कुछ लोग। आज जिनकी फ़्लाइट थी, एक सब्सक्राइबर हैं जिनसे मुझे बात भी करनी है, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ अभी, इस वीडियो के बाद उन्हें फ़ोन करूँगा। तो उनकी फ़्लाइट आज कैंसिल हो गई और वो यहीं पे स्ट्रैंडेड हैं अभी। शायद कल उनकी फ़्लाइट है, शायद, आई डोंट नो, आई हैव टू आस्क। तो वो जाएंगे कल, और जैसा ही कोई अपडेट आएगा, नया फेरी शेड्यूल आएगा, टाइमिंग आएगा, वो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और क्या है, और बाकी ठीक है। बाकी तो वो कुछ लोगों का फाइनेंस वाला प्रॉब्लम था, वो बोले कि दे कैन बियर फाइनेंस, तो उन्होंने ऑलरेडी रीशेड्यूल करा ली, दिस इज़ गुड डिसीजन। और कुछ नहीं करा पाए तो उनको अनफॉर्चुनेटली आना पड़ा, कुछ लोगों को कैंसिल कराई तो फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, अभी
ऐसी न्यूज़ है सुनने में कि वो जो साइक्लोन है वो डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा अंडमान से अलग थोड़ा सा हट रहा है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट हो रही है। जो अभी अभी हमने सैटेलाइट व्यूज़ देखी हैं मोबाइल फ़ोन पे, तो रात तक क्लियर हो जाएगा। तो जितनी जल्दी वो क्लियर होगा उतनी जल्दी यहाँ पे चीज़ें भी क्लियर होंगी, बिकॉज सेफ्टी मैटर्स फर्स्ट। तो ये है। सो एनी वे, सो इफ यू यू ऑल आर वेलकम टू अंडमान ऑब्वियसली। और अगर किसी को मेरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए टाइम में ट्रिप प्लान करने के लिए, दे कैन ऑलवेज ईमेल मी, सो दैट कैन बी डन। यस, सिंस टाइम इज़ इन्वॉल्व, तो यू कैन अंडरस्टैंड प्रोफेशनली, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्री एनी वे। सो टेक केयर एंड एन्जॉय योर टाइम, सी यू सून इन अंडमान, टेक केयर, बाय। हाँ, वो मैं बताना भूल ही गया। यस, अगर आप आ रहे हैं और मिलना चाहते हैं तो जैसे अभी मैं इनको फ़ोन करूँगा, तो जब आप हैवलॉक से लौट के आएंगे, वी विल मीट देम। बहुत सारे लोग पोर्ट ब्लेयर आने के बाद मिलने के लिए मेरे को कांटेक्ट कर रहे थे, तो वो नहीं, आप एक बार ट्रिप कंप्लीट कर लीजिए, और ट्रिप कंप्लीट करने के बाद वी विल मीट एंड वी विल शेयर योर एक्सपीरियंस, जो कि आने वाले विजिटर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होंगे कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए जब आप वहाँ से लौट रहे हैं तो मुझे एडवांस में आप बता सकते हैं, तो वी कैन मीट, वी कैन फिक्स अ पॉइंट, और वहाँ मिल के हम एक दूसरे से मिल भी लेंगे। अंडमान लवर की फैमिली इंक्रीज़ होगी, और इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस किसी आने वाले दूसरे लोगों के लिए कामयाब होगा, यूज़फुल होगा। तो इसी के साथ कोई नए हेल्पफुल अपडेट के लिए जल्दी मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।